हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं एक नया ब्लॉग आगरा मेट्रो का। तो मित्रों, देख सकते हो आप, फतेहाबाद वाले रोड की शुरुआत हो जाती है हमारे होटल अमर से। जैसे ही हम होटल अमर से आगे निकलते हैं, हमारा फतेहाबाद वाला रोड चालू हो जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें अमर होटल दिख रहा है। इसके बाद हमें ब्रांडेड शॉप्स मिलेंगी, बड़े बड़े शोरूम्स मिलेंगे एंड मॉल मिलेंगे। और जब इसी के आगे बढ़ेंगे तो हमारा आ गया मेट्रो का ट्रैक। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ लोग खड़े हैं, सेल्फी ले रहे थे। और ये चल रहा है हमारा मेट्रो का ट्रैक। एक्चुअली ये वाला जो ट्रैक है ना, ये है डीपोर्ट वाला ट्रैक। मतलब आगे जाके डीपोर्ट पे ये ट्रैक उतरेगा, जहाँ से मेट्रो इस पर चढ़ेगी और फतेहाबाद वाली रोड पर जाएगी। और जैसे कि हम आगे देखेंगे, यही दो ट्रैक हो जाते हैं। एक ट्रैक तो ये जो चल रहा है हमारा वो, उसके बाद दूसरा ट्रैक और आ जाएगा जो कि है हमारा फतेहाबाद वाला मेन मेट्रो ट्रैक, जिस पे ट्रैक पे चलेगी। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सामने आ चुका है हमारा दूसरा वाला भी ट्रैक। यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कोई बढ़िया मूर्ति लगी हुई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ट्रैक हैं। एक तो आपको ट्रैक बता ही दिया जो कि डीपोर्ट पर जा रहा है, और दूसरा ट्रैक है वो हमारा मेन ट्रैक है जो फतेहाबाद, बसई, लाल किला, ताजमहल की साइड जाएगा। और यहाँ से आगे हम देखेंगे तो ये दोनों मिक्स होके एक ही ट्रैक हो जाएंगे। अब ये देख सकते हैं आप, वर्टिकल गार्डन बना हुआ है यहाँ पे। वर्टिकल गार्डन मतलब वर्टिकल तरीके से गमलों को सजाया गया है, फ्लावर पॉट्स को सजाया गया है। और यहाँ पर आ जाता है हमारा पहला मेट्रो स्टेशन, जिसका कि आपको नाम पता ही है, फतेहाबाद मेट्रो स्टेशन है। वैसे इसका काम एक्सटीरियर तो कंप्लीट हो गया है, मतलब बाहर से नीचे से कलर पेंटिंग वगैरह हो गई है, लेकिन अभी जो अंदर का काम है, इसका टिकट काउंटर बन रहा है, लिफ्ट पे काम चल रहा है, पेंटिंग चल रही है अंदर की, और डेकोरेशन चल रही है। इसलिए ऊपर जाना अभी अलाउड नहीं है, क्योंकि काम में डिस्टर्बेंस ना हो। बाकी नीचे का काम तो सेम टू सेम हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। और पिलर भी यहाँ कम्प्लीट हो चुके हैं, और मेट्रो ट्रैक भी कंप्लीट हो चुका है, और मेट्रो लाइन भी डल चुकी है। बाकी लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखेंगे तो ये हमारा है आईटीसी मुगल होटल, आगरा का सबसे महंगा और बड़ा होटल, जहाँ पे मोस्टली फॉरेनर या बड़े बड़ी मीटिंग्स होती हैं उसके लिए। ये लेफ्ट हैंड साइड पे उसकी पार्किंग है। अच्छा, अगर कोई चाहे तो इन होटल्स पे भी हम डायरेक्ट मेट्रो के थ्रू आ सकते हैं, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े होटल्स हैं ना, आईटीसी, ट्रिडेंट, उन्हीं के सामने मेट्रो स्टेशंस दिए हुए हैं, तो इजीली आप मेट्रो से भी आप आ सकते हो। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे सब शॉप्स बनी हुई हैं बड़ी बड़ी, या रेस्टोरेंट बने हैं, और राइट हैंड साइड पर भी शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं, उनमें तो कोई अपडेट नहीं है। बाकी यही है, देखो यहाँ से ट्रैक थोड़ा कर्व लिया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन टेढ़ी जा रही है ना रोड की, इसलिए ट्रैक को भी कर्व लेना पड़ा। बाकी पिलर्स वगैरह पे भी डिज़ाइनिंग वगैरह हो गई है, और पियर कैप भी बन चुका है, और मेट्रो के स्लैब पड़ चुकी हैं सारी कंप्लीट, इसमें कोई नहीं है। बाकी लाइट भी लग चुकी है और सिग्नल्स भी लग चुके हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब काम कम्प्लीट है। और रात में भी ये बहुत ज़्यादा शाइन करता है, जब आर्टिफिशियल लाइट इसमें जो लगाई गई है ना, वो जलती हैं अलग अलग कलर की। बाकी आप देखेंगे यहाँ से हमको दिख रहा है दूसरा मेट्रो स्टेशन आने वाला है, और ये वाला जो मेट्रो स्टेशन है ना, इसके आजू बाजू में रेस्टोरेंट पड़ते हैं, जिसकी ट्रेंड्स का शोरूम है, सेल्ट कैफ़े है, और अलग अलग बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं। तो अगर आप इस मेट्रो स्टेशन से उतरेंगे तो ये शॉप्स और शोरूम्स आपको मिलेंगे। लेकिन ये है, ये भी मेट्रो स्टेशन अभी अंदर से कंप्लीट नहीं बना हुआ है, क्योंकि अभी लाइटनिंग का काम बहुत सारा रह गया और बहुत सारी डेकोरेशन इसमें रह गई है। और बाकी ट्रैक्स तो हमारे ये लगभग कंप्लीट ही हैं, क्योंकि इस पर मेट्रो चल चुकी है एज अ ट्रायल फेज़ में, तो उस वजह से पता है कि मेट्रो ट्रैक्स तो चालू हैं, लेकिन ये है अभी नॉर्मल स्पीड में चलाइए, ज़्यादा फास्ट स्पीड में मेट्रो नहीं चलाइए। तो धीरे धीरे ट्रायल हो रहे हैं, बाकी देखो अगली साल तक, फरवरी या मार्च तक ऑफिशियल रूप से मेट्रो चलने लगेगी। बाकी लेफ्ट हैंड साइड पे देख ही सकते हैं आप, शॉप्स वगैरह हैं, पेठे की शॉप हैं, और शॉपिंग करने के लिए मॉल और शॉप्स बनी हुई हैं। बाकी आप देख सकते हैं साफ़ सफाई कितनी हो रही है, और पेड़ वगैरह कितने अच्छे लगे हुए हैं यहाँ पर। और हम यहाँ से देख सकते हैं
इनके पिलर्स भी बिल्कुल कलरफुल हैं और कलर वगैरह कंप्लीट कर दिए गए हैं, कुछ भी बाकी नहीं है। और अब आ रहा है हमारा तीसरा मेट्रो स्टेशन। और इस मेट्रो स्टेशन की बात बताऊं तो सबसे बेस्ट मेट्रो स्टेशन है। क्यों? क्योंकि इसी के नीचे पड़ता है हमारा TDI पैसिफिक मॉल। आप पूरे मॉल में घूम सकते हो इस मेट्रो स्टेशन से उतर के, और उसके बाद MACD वगैरह सब कुछ पड़ता है, और बड़े बड़े शोरूम्स लाइक स्नीकर्स वगैरह सब यहीं पे। अब देखो MB दिख रहा है यहाँ, MACD का पैसिफिक मॉल भी आ गया यहाँ इसी, और ये पार्किंग भी उसी के अंदर जाने के लिए लगी हुई है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ग्रीनरी बहुत अच्छी हो रही है। और ये ट्रैक का लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, इसके बाद मेट्रो का ट्रैक ख़त्म हो जाता है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे भी यहाँ पे एक होटल बना हुआ है ट्रीडेंट नाम से, वो भी अबाउट 7-स्टार होटल है। वो वहाँ से भी हमको ताज व्यू बहुत क्लियर दिख जाता है। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, हमारा मेट्रो ट्रैक ख़त्म हो चुका है। और मेट्रो ट्रैक हमारा ख़त्म होता है आगरा के सेल्फी पॉइंट पे। अब देखो ये ट्रीडेंट होटल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे है ये, अंदर बहुत बड़ा फैला हुआ है ये होटल। उसके बाद यहाँ से आगे जब मुड़ेंगे तो आएगा ताज ईस्ट गेट के लिए डायरेक्शन, ये जा रही है फतेहाबाद के लिए डायरेक्शन। और लेफ्ट हैंड साइड पे है हमारा सेल्फी पॉइंट, जहाँ पे हम जा चुके हैं पहले भी। उसका वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। बाकी अंदर सेल्फी खींचने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिकोर्स हैं जहाँ पे। और लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं हमारे माँ वैष्णो देवी की मूर्ति रखी हुई है। और यहाँ से जब लेफ्ट हैंड साइड मुड़ेंगे तो ये जाता है ताज ईस्ट गेट के लिए डायरेक्शन। यहाँ से लगभग 1.4 किलोमीटर अंदर पड़ता है ताज महल। तो दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो को देख के आपको पता चल ही गया होगा कि क्या क्या अपडेट्स हो चुके हैं वहाँ, और लगभग सभी काम कंप्लीट हो चुका है, बस इंटीरियर का काम रह गया है। बाकी अगले साल के फरवरी या मार्च तक मेट्रो ऑफिशियल रूप से चालू हो जाएगी पब्लिक के लिए, तो तैयार रहो मेट्रो में बैठने के लिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कर दो यार, फ्री है, कौन सा पैसा लग रहा है चैनल सब्सक्राइब करने का। फटाफट से दबा दो रेड बटन और सब्सक्राइब कर लो।